देखिए ऐसा है कि कंपनी ने 4 प्रोग्राम नया स्टार्ट किया है 16 जून से, जिसमें गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए आवास के लिए, यानी जो अब किराए के रूम में रहते हैं या ऐसे टूटी फूटी झोपड़ी टाइप में, तो इनके लिए घर बनाने के लिए, यानी हम एक पार्शियल यानी मंथ वाइज पेमेंट करेंगे जिससे कि दुरुपयोग ना हो, उसके लिए एक BMIP प्लान के तहत है, बिल्डिंग मटेरियल इनिशिएटिव प्रोग्राम के रूप में, यानी इसमें हम उनको एक पेमेंट पार्ट वाइज देंगे जिससे वो मकान बनाएंगे श्रेया फाउंडेशन के श्रेया आवास योजना के अंतर्गत। जो श्रेया आवास योजना है उसके अंतर्गत हम उनको एक फंड जारी करेंगे जिससे कि वो उस हेल्प से वो अपने घर को बना सकें, लेकिन उसमें दुरुपयोग ना हो तो उसको हम पार्शियली 4 पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, यानी 6वें महीने जितना भी हो गया, फिर 4 महीने बाद फिर 10वें महीने, फिर 15वें महीने, फिर 18वें महीने, यानी इस तरह से उनको एक हेल्प करके उनका घर बनाने के लिए। ऐसे ही CEP का प्लान है जो चाइल्ड एजुकेशन प्लान है प्रोग्राम, इसमें हम कक्षा LKG से लेकर के 12 तक के बच्चे उनके स्कूल का फीस, जो पढ़ाई के लिए पैसे के कारण अभाव में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ें, उसके लिए CEP के प्लान के तहत उनको हेल्प किया जाएगा श्रेया फाउंडेशन द्वारा। दूसरा है HEP हायर एजुकेशन के लिए, जो हायर एजुकेशन में जैसे MBBS डॉक्टर BTech ये सब जो व्यावसायिक है, इसको करने में अगर उनको कहीं हेल्प कर ज़रूरत है वो सेमेस्टर वाइज श्रेया फाउंडेशन के द्वारा उसकी भी फीस दी जाएगी, लेकिन उसमें जांच परख करके तब दिया जाएगा। ऐसे ही हमने GMIP एक है गर्ल्स मैरिज इनिशिएटिव प्रोग्राम, यानी गरीब लड़कियों के शादी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम कार बाइक गोल्ड इस तरह से हेल्प किया जाएगा, यानी पैसे का नहीं हेल्प कर, यानी एक ऐसे चीज़ों को दिया जाएगा जिससे दुरुपयोग ना हो, जो उनके ज़रूरत के समय काम आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये 4 तरह के प्लान रखे हैं, जिसमें बिल्डिंग यानी मकान बनाने के लिए BMIP नाम है उसका, जो चाइल्ड 10 LKG से लेकर के इंटर तक हैं उनके लिए CEP के नाम से प्लान हमने लाया, चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से, HEP आपका हायर एजुकेशन के लिए है, और GMIP है गर्ल्स मैरिज इनिशिएटिव प्रोग्राम। ये 4 प्लान को मैंने 16 जून से लॉन्च किया है, और ये 16 जून से अभी हम फर्स्ट ट्रायल में हमारे पास ऑलरेडी 27,000 कस्टमर बैंक वर्किंग यानी मेंबर और लीडर हैं सबसे पहले, क्योंकि इनको हम अच्छी तरह से जान रहे हैं इनकी क्या हैसियत है क्या चीज़ है, क्योंकि अभी 4 साल तक आप लोग भी जानते होंगे इसमें कई ऐसे लोग हैं जो 2 साल से साथ में हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे कि श्रेया फाउंडेशन के तहत पहले जितना भी किया गया उसमें 90% लोग फर्जी पाए गए, दुरुपयोग हुआ। तो ये दुरुपयोग ना हो इसलिए इसको एक प्रोग्राम के तहत हम क्लियरिफाई पूरा करते हुए, तो इसीलिए सबसे पहले फेज में हमने रखा अपने 27,000 कस्टमर वर्किंग मेंबर, जो वर्कर हमारे हैं जो लीडर हैं जो अभी अच्छे पैसे नहीं कमाते हैं, अरे 25,000 सैलरी अगर 20,000 यहाँ से है तो उसमें रेंट ही देने में और खाने में ही सब ख़त्म हो जाता है, घर बनाने का बहुत सभी लोग लगभग 80% ऐसे हैं जो बेघर हैं, रेंट पे कहीं दूर से आकर के रहते हैं ये सब चीज़। तो इसके लिए श्रेय आवास योजना के अंतर्गत तो ये सब 4 प्रोग्राम जो अभी हम चलाए हैं, अभी आने वाले में और 2-3 चीज़ ऐड होंगे। देखिए ये उनके ही ज़मीन होंगे, उनके ज़मीन पे बनाने का खर्चा हम देंगे, तो इससे क्या हुआ कि उनको ज़मीन उन अपने से खरीद लिया, बनाने का खर्चा यहाँ से मिल गया। नहीं अभी तो हम अपने बताए ना कि अभी हम अपने 27,000 वर्कर कस्टमर और लीडर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके लिए फिर एक कमेटी गठित करके नेक्स्ट अप्रैल से आम पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा। 4 साल से आम पब्लिक के लिए ही चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ शर्त भी है? नहीं मकान में शर्त नहीं है, उनके इनकम प्रूफ इनकम चीज़ों को देखते हुए उसके हिसाब से किया जाएगा। किसी के पास जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो जमीन खरीदने में उनको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो देंगे, जैसे उनके पास है 5 लाख रुपया 10 लाख की जमीन है तो 5 लाख हमसे
यानी उसमें हेल्प कर देंगे। नहीं नहीं कहीं भी इंडिया के, हमारे लगभग वर्कर जितने भी कस्टमर वर्कर सब मिला के लगभग इंडिया का ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं है, तो ये सबके लिए ओपन हो रहा है। और 4 साल तक हमने आम पब्लिक के लिए किया था, जिसमें हमें अब जा करके पता चला कि 90% हमने गलत हाथों में पैसा दिया, यानी उस पैसे को लेकर के ऐसा बीत रहा है कि शादी नहीं रही है, शादी का कार्ड छपवा के बस ले गए। नहीं 2020 से यानी लॉकडाउन के समय से श्रेया फाउंडेशन को हमने स्टार्ट किया था। हाँ अगर वो जमीन दिखाना पड़ेगा उनको, ये नहीं कि किसी दूसरे का जमीन दिखा दिए, तो सब चीज़ों के लिए यानी उसके लिए हमने रखा हुआ है उसी शर्तों पे, यानी हम चाहते हैं कि सही आदमी को ही पैसा मिले जो उसके लिए जरूरत है। पहले जो गलतियां हैं उनको, हाँ उसको सुधार करते हुए इसलिए हमने इस चीज़ को, पहले तो था कि जैसे हम कोई परिचित था वो आया बोला कि सर इनको स्कूल का फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, ऐसे 1500 बच्चों का स्कूल का फीस जाता है, लेकिन उनके जांच में 100-150 लोग ऐसे हैं जो कि दे सकते हैं, उनके इनकम अप्रूव यानी उनकी सैलरी 1,00,000 से ऊपर है, तो बताइए ऐसे लोगों को फीस का मदद करना ठीक नहीं है। तो 1500 लोगों को जो चल रहा था पहले से वो सब चल रहा है, लेकिन आम पब्लिक के लिए हमने 1 महीना पहले बंद किया, क्योंकि ये सब चीज़ें जब पकड़ में आई तो इसको हमने एक सिस्टमैटिक 16 जून से चालू किया, और इसको अब हम परसों से मुंबई में इसीलिए उसी दिन से हम इसको चालू किए हैं। सर जैसा कि आपने बताया अभी कि 4 बार में हम पेमेंट लेंगे जो मकान बनाएंगे उनके लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 4 बार में नहीं पेमेंट कर सकते, उनके लिए क्या? नहीं नहीं हम 4 बार में पेमेंट कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप मकान बना रहे होंगे तो पहला पेमेंट अगर हम आपको दे रहे हैं, जैसे हमने आपको सोचा कि नहीं आपको हम 10 लाख का मदद करेंगे या 5 लाख का करेंगे, तो उसका पहला पेमेंट हमने उठा के आपको जब दिया तो उसका काम करेंगे ना, फिर उसका फोटोग्राफी हम करेंगे, पता चलेगा ना कि हाँ आपने काम कराया, फिर आपको तब दूसरा पेमेंट देंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम गरीबों को 4 किस्त में नहीं नहीं उसका ब्याज उनसे हम नहीं लेंगे, नहीं कोई वापसी नहीं, क्योंकि हेल्प वापसी नहीं करने के लिए लिया जाता, और डायरेक्ट उनके अकाउंट में नहीं भेजेंगे, हमें स्कूल के अकाउंट में भेजेंगे, तो इससे क्लियर रहेगा कि स्कूल में बच्चा है, क्लियर है। जैसे देखा गया है कि लोग पत्रकारों को काम ले लेते हैं, लेकिन सराहक ग्रुप ग्रुप की बात छोड़ दीजिए, हम अपना पर्सनल बता रहे हैं, हम भी पत्रकार ही थे और मीडिया लाइन में करीब हम 12 साल रहे हैं। 97 में हम दैनिक जागरण में थे, 2000 में न्यूज रेंज एक पेपर था उसमें थे, उसके बाद क्रिएटिव आई आपका धीरज कुमार का था उसके मैगजीन में थे, 2001 में अपना पूर्वांचल बुलेटिन स्टार्ट किया इंग्लिश और हिंदी एडिशन, पूर्वा न्यूज खुद चालू किए थे, 2007 में उसको हमने बंद किया क्योंकि लॉस में जा रहा था, 2013 में हमने पूर्वांचल बुलेटिन को स्टॉप किया मार्केट से, शिक्षा दर्पण प्रतियोगिता दर्पण आप जानते रहे होंगे, शिक्षा दर्पण मेरा था, तो मीडिया के लिए तो हम पहले से तैयार हैं। थैंक यू।